Just as obesity is infectious, watching Jai Hind can be very, very infectious. The most common indicative symptom of any individual being addicted to Jai Hind is that there is an uncontrollable urge to watch a hornless unicorn making funny sounds while eating junk food. As for the infectious part, it's actually my crooked smile that makes Jai Hind ever so more infectious. Didn't get what I just said? Neither did the Pakistanis. Jai Hind. नमस्कार नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। आज हमारे 250 एपिसोड पूरे हो गए हैं। जी हाँ, 250। जितने रन हमारी टीम किसी भी टेस्ट मैच की किसी भी इनिंग्स में नहीं बनाती। जी हाँ, 250। जितनी लोकसभा सीट्स पिछले 20 साल से किसी भी सिंगल पार्टी को नहीं मिली। 250। जितने रुपए नील नितिन मुकेश की पिछली 4 फिल्मों ने भी मिलकर नहीं कमाए। तो सबसे पहले आप सबको धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच गाइस, जो ये शो लगातार देखते हैं YouTube में, कभी कभी वाहियात गंदी ग्रामर में बुरे बुरे फीडबैक भी देते हैं और फिर भी अगले हफ्ते शो देखने वापस आते हैं। और साथ ही थैंक्स उन सारे नेताओं, सेलिब्रिटीज़ और दुनिया भर के अजीब ह्यूमनॉइड्स का जो हमें हर रोज़ जोक्स बनाने लायक नई नई खबरें देते हैं। इनफैक्ट आज हमारे 250 की खुशी में बहुत से संदेश भी आए हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हाँ जी, सबसे पहला संदेश आया है कपिल सिब्बल साहब का। अच्छा, आई एम वॉचिंग यू। अगला संदेश है तस्लीमा नसीन का। अगेन ये भी कैप्स में ही है, डाई यू MCPs, डाई। ये क्या था? वेट, ये मैसेज उन्होंने दुनिया के हर बंदे को भेज दिया है। आजकल वो फेमिनिस्ट ऑर्गेजम स्टेट में। और एक प्यार भरा संदेश भेजा है किम जोंग इल के बेटे और नॉर्थ कोरिया के नए डिक्टेटर किम जोंग उन ने। आई लाइक योर इंडिपेंडेंट शो, कम डू अ कोरियन शो, रादर कोरियन वर्जन ऑल्सो, आई प्रॉमिस आई वोंट किल यू ऑल ऑन द सेम डे। और एक बहुत ही प्यारा संदेश आया है पाकिस्तान से, हाँ, हीना रब्बानी खैर का। आप प्लीज जब भी मेरी नकल उतारें शो पे तो मुझे बुला लें, मैं आ जाऊंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मेरी नकल किसी सूखी हुई सी लड़की से उतरवाते हैं जिसके पास मेरे जैसा क्लास एटिकेट, स्पेलिंग अलग है यहाँ पर, एटिकेट और लिप ग्लॉस नहीं है। मेरी इज्जत है दुनिया में, कम से कम साउथ ईस्ट एशिया में, मुल्तान साइड तक तो है ही। आप दोबारा ऐसा ना करें, नहीं तो मैंने कृष्णा साहब से शिकायत लगा दी। वेल, थैंक्स टू दीज पीपल फॉर गोइंग आउट ऑफ द वे एंड विशिंग अस। हाँ भाई, जाना आगे। मूविंग ऑन, हाल ही में आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर इंडिया आए। जी हाँ, आफ्टर टॉम क्रूज एंड ओपरा विनफ्री, आर्नल्ड भी इंडिया दर्शन को आ ही गए। उन्हें इंडिया आने के लिए अनिल कपूर के घने बालों से नहीं गुजरना पड़ा, ही केम ऑन हिज ओन। लेकिन ये क्या चक्कर है, इंडिया दुनिया का हरिद्वार बनता जा रहा है, सब अपने बुढ़ापे में यहाँ एक चक्कर जरूर। खबर है कि आर्नल्ड यहाँ अभिषेक बच्चन को एक अवार्ड देने आए थे लेकिन लास्ट मोमेंट पे गायब हो गए, और गायब होने से पहले उन्होंने अभिषेक को कहा I'll be back। अच्छा, इस बीच दिल्ली में आर्नल्ड को खाने में एक बहुत बड़ी नान पेश की गई, देखिए। और नान देखकर आर्नल्ड खुश हो गए क्योंकि अब वो वापस जाकर सबको बताएंगे आई हैव अ बिग नान इन इंडिया।
थोड़े दिन पहले जयपुर लिट फेस्ट में ओपरा विनफ्रे भी आई थी। फनी थिंग इज, उन्हें हमारी गरीबी एग्जॉटिक लग रही थी और हमारे देशवासियों को उनकी अमीरी। जयपुर फेस्ट में ओपरा को देखने के लिए 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। इतनी लंबी लाइन देखकर तो बहुत सारे ऑटो वाले भी उस लाइन में लग गए हैं। उन्हें लगा CNG का नया पंप खुला है कहीं। वैसे कहा जा रहा है कि ओपरा की इंडिया विजिट का असली मकसद बच्चन परिवार में जन्मी नई बच्ची से मिलना था। होता ना, आम घर, आम आदमी के घर जब बच्चा होता है तो वो हिजड़े आ जाते हैं, और बच्चन के घर ओपरा आ गई। इसे कहते हैं ग्रेटनेस। बाकी अभी जय हिंद के 250th एपिसोड की खुशी में एक शानदार अनाउंसमेंट फॉर आवर बिग प्लान दिस समर। आर्मी चीफ की उम्र और BJP की सफेदी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद तब तक।